हेलो फ्रेंड्स, वेरी वॉम वेलकम टू एलके एकेडमी। आई होप एवरी वन ऑफ यू इज सेफ एंड डूइंग वेल एट योर होम। सो टुडे अगेन वी विल स्टार्ट विद आवर करंट अफेयर्स टॉपिक्स। आई होप दैट यू हैव गॉन थ्रू ऑल द प्रीवियस लेक्चर्स एंड टॉपिक्स। प्लीज डू लेट अस नो इन केस ऑफ एनी डाउट्स। सो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, दैट इज त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म डील बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो इन द रीसेंट डेवलपमेंट, इंडिया और श्रीलंका ने अग्री किया है to jointly control the strategically important Trincomalee oil tank farm. क्या है ये oil tank farm, क्या काम करेगा, इंडिया को कैसे फ़ायदा करेगा, श्रीलंका को कैसे फ़ायदा करेगा, and how it will contribute to strengthen the India-Srilanka bilateral relations, ये हमें देखना है। So map में जैसे आपको दिख रहा है कि this is the highlighted portion, और यहाँ पे ये जो gap है, that is a strategic location in the Indian Ocean, और वहाँ पे Trincomalee Harbour बना हुआ है, जो कि second world war के time Britishers के द्वारा उसको बनाया गया था as a refueling station. So in the coming days India and Sri Lanka are going to sign the long pending मतलब almost over 35 years से जो डील पेंडिंग थी, उसको आने वाले दिनों में इंडिया और श्रीलंका साइन करेंगे। सो इन द कमिंग डेज इंडिया एंड श्रीलंका आर गोइंग टू साइन द लॉन्ग पेंडिंग डील टू जॉइंटली डेवलप द Trincomalee ऑयल टैंक फार्म्स। The signing of the deal will reflect a positive sign amid strained relationship between the two countries. So recently हमने देखा है कि चाइना के इंटरफियरेंस की वजह से इंडिया और श्रीलंका के जो bilateral relations थे उन पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन थे वो थोड़े बैकफुट पे चले गए थे। बट नाउ दैट श्रीलंका हैज़ अंडरस्टूड दैट चाइना से रिश्ता रखना मतलब अपने देश को खोना, अपने पॉलिटिकल कंट्रोल को खोना, अपने रीजनल कंट्रोल को खोना, ये सारी चीज़ें श्रीलंका को धीरे धीरे समझ आ रही है। एंड दैट्स वे श्रीलंका इज अगेन स्टार्टेड टू इंक्लाइन टुवर्ड्स इंडिया, एंड दिस इज अ पॉजिटिव स्टेप बिटवीन टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर बायलेटरल रिलेशन। क्या है ये Trincomalee ऑयल टैंक फार्म्स? सो द ऑयल टैंक फार्म वॉज बिल्ट बाई द ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू एज अ रिफ्यूलिंग स्टेशन। इट इज़ लोकेटेड इन चाइना बे इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द इंटरनेशनली कोवेटेड डीप वॉटर नेचुरल हार्बर ऑफ Trincomalee। द प्रपोजल ऑफ दिस जॉइंट डेवलपमेंट वॉज एनविसेज्ड 35 ईयर्स अगो। ओके, सो 1987 में जब इंडो श्रीलंका अकॉर्ड साइन हुआ था, उस टाइम पे ये प्रपोजल रखा गया था दैट इंडिया एंड श्रीलंका शुड जॉइंटली ओन दिस प्लेस। द प्रपोजल ऑफ दिस जॉइंट डेवलपमेंट वॉज एनविसेज्ड 35 ईयर्स अगो इन द इंडो श्रीलंका अकॉर्ड 1987। इट कंप्राइज 99 स्टोरेज टैंक्स विद अ कैपेसिटी ऑफ 12,000 किलोलीटर्स ईच स्प्रेड अक्रॉस लोअर टैंक फार्म एंड अपर टैंक फार्म। In 2003, Indian Oil Corporation sets up Sri Lankan subsidiary called Lanka IOC to work on this oil farm. Okay, so India ने 2003 में एक सब्सिडियरी ब्रांच अपनी बना दी श्रीलंका में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, जिसको नाम दिया गया लंका IOC, और 15 जितने अभी के जो टैंक्स हैं वो लंका IOC के थ्रू रन होते हैं। सो करंटली लंका IOC रन्स 15 टैंक्स। द न्यू अग्रीमेंट इज बीइंग नेगोशिएटेड फॉर द रिमेनिंग टैंक्स। सिग्निफिकेंस क्या है इस डील का? सो देखिए, इंडियन ओशन में जो चाइनीज अग्रेशन जो बढ़ रहा था, उसको एक तरीके से काउंटर करने में इंडिया और श्रीलंका दोनों को मदद मिलेगी। सो द Trincomalee ऑयल टैंक फार्म हैव बीन बेस्टोड विद सेवरल फेवरेबल फैक्टर्स ऑफ लोकेशन। फॉर एग्जांपल, इजीली एक्सेसिबल होगा वो। सो इट इज़ लोकेटेड ऑन अ डीप वाटर नेचुरल हार्बर ऑफ Trincomalee, स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन द इंडियन ओशन। दीज ऑयल फार्म्स आर लोकेटेड अलॉन्ग सम ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट शिपिंग लेन्स। Thus, a well-developed oil storage facility and refinery adjacent to the Trincomalee port would have a great economic value for both India and Sri Lanka. So, India और Sri Lanka दोनों को इसके जो
इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, जो रेवेन्यू जनरेशन के बेनिफिट्स है, वो दोनों को यहाँ मिलेंगे जब दोनों जॉइंटली इसको कंट्रोल करेंगे। इंडो लंका अकॉर्ड क्या था? सो इट्स अ पॉपुलरली रिफर्ड टू एज अ राजीव जयवर्धने अकॉर्ड आफ्टर इट्स आर्किटेक्ट्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी एंड श्रीलंकन प्रेसिडेंट जे आर जयवर्धने एंड इट वॉज साइंड इन 1987। तो देखिए 1987 का जो इंडो लंका अकॉर्ड था उसको पॉपुलरली राजीव जयवर्धने अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है, बेस्ड ऑन देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। एंड ये दोनों के जो बायलेटरल रिलेशन थे उसमें काफ़ी टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, मल्टीपल इश्यूज को यहाँ पे सॉल्व करने की बात की गई। सो इट वॉज साइंड ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ द सिविल वॉर इन श्रीलंका बिटवीन तमिल्स एंड सिंहवाला कम्युनिटी। द अकॉर्ड सॉट टू बैलेंस इंडियाज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन इन श्रीलंका एंड तमिल माइनॉरिटी राइट्स इन श्रीलंका। द अकॉर्ड सॉ द प्लेसमेंट ऑफ द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स इन श्रीलंका टू रिजॉल्व द श्रीलंकन सिविल वॉर। द अकॉर्ड ऑल्सो रिजल्टेड इन एनेक्टमेंट ऑफ द 13 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका एंड द प्रोविंशियल काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1987। तो देखिए हमने आगे के लेक्चर्स में वी हैव लर्नड अबाउट बोडो अकॉर्ड, ब्रू अकॉर्ड। तो नॉर्थ ईस्ट के जो छोटे छोटे मिलिटेंट ग्रुप्स थे या जो जिनको अलग स्टेट चाहिए टू कंजर्व देयर आइडेंटिटी, टू प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटी, इंडियन गवर्नमेंट ने उनको क्या दे दिया है, उनको ऑटोनोमस काउंसिल्स बना के दे दी है। तो ऐसा ही कुछ श्रीलंकन इंडिया अकॉर्ड ऑफ 1987 में डिसाइड किया गया। और इंडिया के इंटरफेरेंस से श्रीलंका ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 13th अमेंडमेंट किया, जिसके थ्रू जो माइनॉरिटीज थी, जो इंडियन ओरिजिन के तमिल वहाँ पे रहते हैं, उनको प्रोविंशियल काउंसिल दे दी गई ताकि वो अपने राइट्स को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर सके। इश्यूज इन श्रीलंका इंडिया रिलेशन क्या है? सो चाइना का इंटरवेंशन है वो पिछले काफ़ी सालों में हमें बढ़ता हुआ दिखा है। सो चाइनाज रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमिक फुटप्रिंट एंड पॉलिटिकल क्लाउड इज अ कोरोलरी इन श्रीलंका इज स्ट्रेटनिंग इंडिया इज स्ट्रेनिंग इंडिया श्रीलंका रिलेशंस। चाइना इज ऑलरेडी द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन श्रीलंका अकाउंटिंग फॉर 23.6% ऑफ द टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग 2010 टू 2019 एज अगेंस्ट 10.4% फ्रॉम इंडिया। चाइना इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस फॉर श्रीलंकन गुड्स एंड होल्ड्स ओवर 10% ऑफ इट्स एक्सटर्नल डेट। ओके, सो देखिए जो FDI है श्रीलंका में 1/4 जितना FDI, ऑलमोस्ट 1/4 जितना FDI सिर्फ कहाँ से आता है? चाइनीज गवर्नमेंट से आता है, चाइनीज कंपनीज से आता है। उसके सामने इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है श्रीलंका में दैट कंप्राइजेज ओनली 10%, मीनिंग 1/10 ऑफ द श्रीलंका टोटल FDI इज कॉन्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम इंडिया, विच इज मच लोअर देन द चाइनीज कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड दिस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द इश्यूज। चाइना इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर श्रीलंकन गुड्स एंड होल्ड्स ओवर 10% ऑफ इट्स एक्सटर्नल डेट। चाइना इज ऑल्सो हैंडलिंग हंबनडोटा पोर्ट ऑफ श्रीलंका। द पोर्ट इज व्यूड एज अ पार्ट ऑफ चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी। मल्टीपल अदर पोर्ट्स एंड आइलैंड इश्यूज जो है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच बने हुए हैं, जिसको सॉल्व करने की कई बार कोशिश की गई, बट बोथ द गवर्नमेंट्स आर नॉट एबल टू रीच अ कॉमन ग्राउंड्स, जिसकी वजह से कई सालों से ऐसे पोर्ट और आइलैंड्स के जो इश्यू है दोज आर स्टिल देयर। हाउएवर मेनी टाइम्स द फिशरमैन इश्यू अराइजेज more out of a domestic tussle rather than the India-Srilanka view on the issue. तो क्या जो fishermen का जो issue है, यहाँ के fishermen वहाँ चले जाते हैं and vice versa, उसको लेकर काफ़ी political battle दोनों countries के बीच चलता रहता है। 13th amendment of Sri Lankan constitution क्या है? So Indo-Srilankan accord was signed in 1987 to provide a political solution to Sri Lanka's conflict. It envisages devolution of necessary powers to the provincial councils to address the just demand of the Tamil people for equality, justice, peace and respect within a united Sri Lanka. The provisions of this accord were made in the Sri Lankan constitution by the 13th amendment. However,
Still, the provisions are not implemented on ground. Even to this day, lots of Sri Lankan Tamils who evaded from Sri Lankan civil war are seeking refuge in Tamil Nadu. तो इंडिया के इंटरफियरेंस से या कह लीजिए कि इंडिया को खुश करने के लिए श्रीलंका हैज डन दी 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बट उसके जो चेंजेस थे, उसके जो राइट्स थे, उसके जो प्रोविजंस ऑन ग्राउंड लागू होने चाहिए थे टू प्रोवाइड इक्वालिटी, जस्टिस, पीस एंड रिस्पेक्ट विद इन द श्रीलंका टू तमिल पीपल, ये आज तक नहीं हो पाया है. और आज भी काफ़ी सारे रेफ्यूज जो है वो इंडिया में रेफ्यूजी के तौर पर रह रहे हैं. बैक ट्रेसिंग ऑफ श्रीलंका. सो रिसेंटली श्रीलंका बैक्ड आउट फ्रॉम अ ट्राई पार्टी पार्टनरशिप विथ इंडिया एंड जापान फॉर इट्स ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट एट द कोलंबो पोर्ट, साइटिंग डोमेस्टिक इश्यूज. तो 2021 में ही जो ट्राई पार्टी MOU साइन हुए थे बिटवीन जापान, इंडिया एंड श्रीलंका, उसमें से श्रीलंका ने बैकआउट कर लिया है साइटिंग द डोमेस्टिक इश्यूज. बट इसके पीछे चाइनीज इंटरफियरेंस माना जा रहा है. चाइना के दबाव में आकर श्रीलंका ने इसमें से पीछे हट की थी, ऐसा माना जा रहा है. इंडिया श्रीलंका कोऑपरेशन रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या है. सो दोनों कंट्रीज के बीच फोर पिलर इनिशिएटिव को लेकर सहमति बनी है. सो रिसेंटली इंडिया एंड श्रीलंका, वी ऑलरेडी नो दैट इन श्रीलंका देर इज अ फूड इमरजेंसी एंड पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है पिछले 4-5 महीनों से. उसको स्टेबलाइज करने के लिए इंडिया इज हेल्पिंग. सो रिसेंटली इंडिया एंड श्रीलंका अग्रीड टू अ फोर प्रॉन्ज्ड अप्रोच टू डिस्कस इनिशिएटिव्स ऑन फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी टू हेल्प मिटिगेट श्रीलंकाज इकोनॉमिक क्राइसिस. This four-pillar initiative comprises lines of credit, currency swap agreement, modernization project and Indian investment. Joint exercise क्या हो रही है. तो इंडिया एंड श्रीलंका कंडक्टेड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति रेगुलरली एंड नेवल एक्सरसाइज स्लाइनेक्स. तो देखिए लाइन्स ऑफ क्रेडिट बेसिकली क्या है. जैसे आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हो उसी तरह का अप्रोच इंडिया श्रीलंका के बीच होगा. What is credit card? That you do not have the money at the time of purchase, but your bank provides you the facility that you can use bank's money for a certain period of time and then you can repay that amount to particular bank. Vaisa hi facility India is going to give to Sri Lanka. Why? Because Sri Lanka ke paas forex reserves nahi hai. तो जब वो श्रीलंका इंपोर्ट करता है कोई चीज़ अपने देश में तो उसको डॉलर में पैसा चुकाना पड़ेगा जो अभी उसके पास नहीं है. इंडिया लाइन ऑफ क्रेडिट देकर उसको मदद करेगा कि आप कुछ टाइम के लिए ये पैसा इस्तेमाल करो. वेन एवर यू हैव द मनी टू रिपेयर्स यू कैन रिपेयर्स. करेंसी स्वैप अग्रीमेंट बिटवीन RBI एंड श्रीलंकन गवर्नमेंट बना है. मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा और इंडियन इन्वेस्टमेंट को वहाँ पर बढ़ाया जाएगा. मोरओवर इंडियन गवर्नमेंट टूरिज्म सेक्टर को लेकर भी श्रीलंका को हेल्प करेगी एंड इंडियन गवर्नमेंट विल ट्राई टू एनकरेज इट्स सिटीजन टू विजिट श्रीलंका ताकि श्रीलंका में जो टूरिज्म अटका पड़ा है उसको थोड़ा बूस्ट मिले और श्रीलंका की इकोनॉमी वापस ऑन ट्रैक आ सके. ज्वाइंट एक्सरसाइज हम करते हैं दैट इज मित्र शक्ति, दैट इज मिलिट्री एक्सरसाइज एंड नेवल एक्सरसाइज इज स्लाइनेक्स. पार्टिसिपेशन इन ग्रुपिंग्स. तो कौन से इंटरनेशनल लेवल पे हम को पार्टिसिपेंट है. तो श्रीलंका इज ऑल्सो मेंबर ऑफ रीजनल ग्रुपिंग्स लाइक बिम्स्टेक, दैट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड सार्क इन विच इंडिया प्लेज अ लीडिंग रोल. इसके अलावा UN में हम को पार्टनरशिप करते हैं. सागर विजन. सो श्रीलंका सपोर्ट्स India's concern for the security of the Indian Ocean with its neighborhood first policy and Sagar, that is security and growth for all in the region. तो हमारे जो relation है वो ऊपर नीचे होते रहे थे, but overall relation की अगर बात की जाए तो we hold a strong position when it comes to Sri Lanka. And after the Hambantota port crisis and the food crisis in Sri Lanka, India is trying to make the bond stronger than ever. देखना होगा कि आगे ये कैसे turn out होता है.
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस, और देर इज एन अपडेट फॉर दिस टॉपिक. सो दिस इज एन अपडेट इन्फॉर्मेशन. सो वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द ऑकस ऑर्गेनाइजेशन. जब ये बना था 2-3 महीनों पहले, क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन के लिए फ्रांस को ऑर्डर दिया हुआ था, फ्रांस के साथ उसकी डील हुई थी. बट क्योंकि फ्रांस ऑर्डर देने में डिले कर रहा था और वो कस्टमाइज्ड न्यूक्लियर सबमरीन बना के ऑस्ट्रेलिया को नहीं दे रहा था, फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन ऑस्ट्रेलिया ने उस डील से बैक ऑफ कर लिया था. और फ्रांस को छोड़कर यूएसए एंड यूके के साथ नाउ ऑस्ट्रेलिया ने एक नया ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया, दैट इज पर्टिकुलरली नोन एज ऑकस. सो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड द यूके साइंड एन अग्रीमेंट अलाउिंग द एक्सचेंज ऑफ सेंसिटिव नेवल न्यूक्लियर प्रपल्शन इन्फॉर्मेशन बिटवीन देयर नेशंस. इट इज द फर्स्ट अग्रीमेंट ऑन द टेक्नोलॉजी टू बी पब्लिकली साइंड सिंस द 3 countries अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ डिफेंस अलायंस ऑकस टू कन्फ्रंट स्ट्रेटेजिक टेंशन इन द पैसिफिक वेयर चाइना यूएस राइवलरी इज ग्रोइंग. तो साउथ चाइना सी में, इंडियन ओशन में, जहाँ जहाँ भी चाइना का अग्रेशन बढ़ रहा है उसको काउंटर करने के लिए द ऑकस विल बी वर्किंग. और ऑस्ट्रेलिया को उसके लिए ज़रूरत थी न्यूक्लियर सबमरीन की, जिसके लिए मदद करेगा जो ऑर्डर है इसका, टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो मदद चाहिए और जो पूरा शिप सबमरीन बना के दिया जाएगा वो यूके और यूएसए की तरफ से बनाया जाएगा. अपडेट क्या है, जो रिसेंटली जो ट्रीटी साइन हुई है या जो अग्रीमेंट साइन हुआ है दैट इज टेक्नोलॉजी बेस्ड अग्रीमेंट. और ये है कि नेवल न्यूक्लियर प्रपल्शन इंफॉर्मेशन इन तीनों कंट्रीज के बीच में उसको शेयर किया जाएगा. सो अंडर द ऑकस डील ऑस्ट्रेलिया वुड ऑब्टेन 8 स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूक्लियर पावर्ड बट कन्वेंशनली आर्म्ड सबमरीन्स केपेबल ऑफ स्टिल द लॉन्ग रेंज मिशंस. तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया बायर है यहाँ पे, सेलर इज यूके एंड यूएसए. सो इन सितंबर 2021 द यूएस अनाउंस अ न्यू ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप फॉर द इंडो पैसिफिक बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड द यूएस. द मेजर हाईलाइट ऑफ दिस अग्रीमेंट इज द शेयरिंग ऑफ द यूएस न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी टू ऑस्ट्रेलिया. Its Indo-Pacific orientation makes it an alliance against China's assertive actions in the South China Sea. तो देखिए, इसको इसका गोल इज स्पेसिफिक. इसको कौन से रीजन के लिए बनाया गया है, इसको इंडो पैसिफिक रीजन के लिए बनाया गया है. ओके, इन इंडो पैसिफिक रीजन ऑस्ट्रेलिया इज बिग प्लेयर, इंडिया इज बिग प्लेयर, जापान इज बिग प्लेयर. तो जब इंडो पैसिफिक रीजन में कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, सो इट्स अ क्लियरली ए मैसेज टू चाइना दैट दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन is being created to counter you, counter China. Okay, so its Indo-Pacific orientation makes it an alliance against China's assertive actions in the South China Sea. It will involve a new architecture of meetings and engagements between the 3 countries as well as cooperation across emerging technologies, that is applied artificial intelligence, quantum technologies and undersea capabilities. तो multiple field में इन तीनों countries के बीच में जो cooperation है वो आने वाले समय में बढ़ेगा. इंडिया के लिए इसके क्या significance है, क्या मायने है? So देखिए, इससे क्या होगा कि क्वाड का जो particular role है इंडो पैसिफिक region में वो थोड़ा घटता हुआ हमें नजर आ रहा है. आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट इम्प्लीकेशन आफ्टर 2-3 years. बट एज ऑफ नाउ अगर हम आज के सिचुएशन की बात करें तो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड यूके का जो ऑर्गेनाइजेशन है इट विल बी मोर पावरफुल देन क्वाड, और वो इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड के प्रेजेंस को ओवरलैप कर लेगा. सो देर इज अ कंसर्न दैट ऑकस कुड लीव अ डीप स्कार ऑन यूएस European Union relations and the North Atlantic Treaty Organization and weaken the international coalition in the Indo-Pacific. देखिए क्यों, क्योंकि नाटो में जो कंट्रीज है मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएस एंड कैनेडा. सो नाटो इज कंप्लीटली अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. अब जब नाटो का एक देश, फ्रांस इज अ मेंबर ऑफ नाटो, यूएस इज मेंबर ऑफ नाटो, जब फ्रांस के साथ जिस डील को कैंसिल किया गया है, अगर उसी डील को यूएसए हथिया लेता है, तो फ्रांस ने अपनी नाराजगी ऑलरेडी जब ऑकस
डिक्लेयर हुआ था तब काफी नाराजगी जताई थी, और जो भी बायलेटरल टॉक्स थे कंट्रीज के, इन बिटवीन कंट्रीज के साथ जो मीटिंग्स थे उनको कुछ टाइम के लिए उन्होंने पोस्टपोन कर दिया था। नाटो और यूरोपियन यूनियन दोनों में इसके काफी बुरे असर देखने को मिल सकते हैं। सो नाटो वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई नॉर्थ एटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 4 अप्रैल 1949 बाई द यूनाइटेड स्टेट्स, कैनेडा एंड सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस टू प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द क्रीमिया रीजियन ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, तो वी हैव ऑलरेडी फेमिलियर अबाउट नाटो। नाटोज प्राइमरी गोल आर द कलेक्टिव डिफेंस ऑफ इट्स मेंबर्स एंड द मेंटेनेंस ऑफ अ डेमोक्रेटिक पीस इन द नॉर्थ एटलांटिक एरिया। तो लेकिन नाटो तो दुनिया का सबसे पावरफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, अब जब उसके बीच फूट पड़ेगी या उसके बीच अगर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड थिंग इन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। सो फ्रांस हैड कैंसल्ड अ स्केड्यूल्ड मीटिंग ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया फ्रांस एंड इंडिया एट द यूनाइटेड नेशंस। तो देखिए इंडिया को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, इंडिया के साथ इंडिया का ऑकस में कोई लेना देना ही नहीं था, बट बिकॉज वी हैव स्केड्यूल्ड अ मीटिंग विथ ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को धोखा दिया या ऑर्डर कैंसिल कर दिया, इतना बड़ा ऑर्डर जिसकी वजह से फ्रांस को काफी नुकसान हुआ है, तो फ्रांस ने इसकी जो स्केड्यूल्ड मीटिंग थी उसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स द ट्राइलेटरल हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द इमर्जिंग इंडो पैसिफिक आर्किटेक्चर, बट द कैंसिलेशन ऑफ द मीटिंग इज अ ब्लो टू ट्राइलेटरल एंगेजमेंट। तो फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मिलकर काफी अच्छा ट्राइलेटरल ग्रुप बना रहे थे, बट क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो इंक्लिनेशन है वो यूएसए और यूके की तरफ दिखाया हो, जो चीज फ्रांस को पसंद नहीं आई और उसका नुकसान इंडिया को भुगतना पड़ सकता है। इट इज ऑल्सो नॉट क्लियर वेदर द क्वाड एंड ऑकर्स विल रेनफोर्स ईच अदर और रिमेन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि इंडिया ऑकर्स के साथ जुड़ जाए, जापान ऑकर्स के साथ जुड़ जाए, जिसकी वजह से क्वाड का आने वाले सालों में क्या रोल रहेगा, क्वाड और ओकस मर्ज हो जाएंगे, एक्सक्लूसिव रहेंगे, उनके काम डिफरेंट होंगे, एक समान होंगे, ये सारी चीजों को लेकर वी डू नॉट हैव एनी क्लियर आइडिया एज ऑफ नाउ। देर आर सम बिलीव्स दैट द एंग्लोस्फियर नेशंस विच शेयर कॉमन कल्चर एंड हिस्टोरिकल टाइज टू द यूके इंस्पायर मोर कॉन्फिडेंस इन ईच अदर। क्वाड इज अ ग्रुपिंग ऑफ इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान विच एम्स टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक नेशंस इन द इंडो पैसिफिक रीजियन एंड एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस। अब देखिए कुछ भी अल्टीमेटली क्वाड काम करे ना करे, क्वाड का क्या रोल रहेगा, जब इंडो पैसिफिक रीजन में यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज, पावरफुल कंट्रीज साथ मिलकर जब काम करेंगे तो इंडिया को चाइना में लड़ने से इनडायरेक्ट मदद ऑटोमेटिकली मिलने वाली है। तो इंडिया के लिए तो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करता हुआ चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बने जिसमें इंडिया पार्ट हो या ना हो, अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बेनिफिट इंडिया। इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशंस है, सो इंडिया हैज स्टार्टेड द न्यू पार्टनरशिप इज नीदर रेलेवेंट टू द क्वाड नॉर विल इट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन इट्स फंक्शनिंग। डिस्पाइट इनडिफरेंस टूवर्ड्स ऑकस, इंडिया में डिराइव सेकेंडरी बेनिफिट्स फ्रॉम द ऑकस अरेंजमेंट, हैविंग थ्री एडवांस नेशन विथ आर्ग्यूएबली द मोस्ट सोफेस्टिकेटेड मिलिट्री पावर इन द वर्ल्ड कमिंग टूगेदर टू सपोर्ट अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इन द लाइट ऑफ द इंक्रीजिंगली असर्टिव एटीट्यूड ऑफ चाइना इन द रीजियन। दिस कुड प्रोवाइड सम डिग्री ऑफ डिटेरेंस टू चाइना। तो चाइना को एक तरीके से डराने की बात यहाँ पर होगी, इंडिया का चाहे कोई रोल ना भी हो तो भी वो अल्टीमेटली इंडिया के लिए बेनिफिशियरी रहेगा। ऑल्सो इंडियाज कंसर्न्स रिगार्डिंग एनसर्कलमेंट बाई चाइना मे बी पार्शियली मिटिगेटेड बाई ऑकस। चाइना हैज़ मेड अ मैसिव इनरोड्स इन इंडियाज नेबरहुड इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड प्रेजेंस। आप बांग्लादेश देखिए, मालदीव्स देखिए, श्रीलंका देखिए, अफ्रीकन कंट्रीज को कैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू जोड़ा जा रहा है। तो चाइना इज अग्रेसिवली ट्राइंग टू फियर इंडिया, कि इंडिया को डराने की कोशिश, इंडिया को एनसर्कल करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पे ऑकस और क्वाड दोनों की प्रेजेंस से इंडिया को मदद मिलेगी।
There is apprehension the deal may eventually lead to crowding of nuclear attack submarines in the eastern Indian Ocean, eroding India's regional preeminence. तो इंडिया के लिए ये अल्टीमेटली फायदे का सौदा होगा. एज ऑफ नाउ हमें ये लग रहा है, आने वाले समय में इसके जो अपडेट्स होंगे, इसके जो रेपरकशंस होंगे, वो हमें पता चल सकते हैं. तो डिफेंस पैक्ट टू काउंटर चाइना, एनजूस ट्रिटी, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड यूएसए ट्रिटी साइन की गई है. क्वाड जो कि यूएस जापान ऑस्ट्रेलिया इंडिया का 2007 में एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है. फाइव आईज विच इज द इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज जो है उनका एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन या इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो, दैट इज यूएस यूके कैनेडा ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. सो कॉल्ड वॉर एरा एंटी सोवियत इंटेलिजेंस शेयरिंग पार्टनरशिप है वो. फोर मेंबर्स अपोज चाइनाज वाउ टू टेक बैक ताइवान बाई 2049. न्यूजीलैंड हैज ऑप्टेड आउट ऑफ कन्फ्रंटिंग चाइना इट्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. ओके सो छोटे छोटे जो ग्रुप्स है, क्योंकि चाइना का इन्वेस्टमेंट, चाइना का ट्रेड पार्टनरशिप ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज के साथ बहुत ज़्यादा है, जब तक किसी तरह से उसको आप अल्टरनेटिव उसका नहीं ढूंढ लेते, तब तक चाइना को काउंटर करना किसी भी छोटे कंट्री के लिए मुश्किल होगा. और रिसेंटली जो ऑर्गेनाइजेशन बना है, द लेटेस्ट एडिशन इज ऑकस, दैट इज ऑस्ट्रेलिया यूके एंड यूएस, जो कि बना था $40 बिलियन डील हुई थी विथ फ्रांस टू बिल्ड डीजल पावर्ड सबमरीन्स. ऑस्ट्रेलिया विल रिसीव सबमरीन्स फ्रॉम नाउ यूएस एंड यूके, क्योंकि फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ जो डील थी उसको कैंसिल कर दिया है, एंड द डील इज नाउ विथ यूके एंड यूएसए. सो दिस इज ऑल अबाउट दी ऑकस. और उसमें जो नए अपडेट्स है उसके बारे में हमने बात कर ली. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द बैकग्राउंड एज वेल फॉर द सेक ऑफ द रिविजन. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज साहित्य अकेडमी अवार्ड. सो रिसेंटली 2022 के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड्स को अनाउंस किया गया है, विच इज फॉर 2021. सो रिसेंटली द साहित्य अकेडमी अनाउंस्ड अ साहित्य अकेडमी अवार्ड्स 2021 इन 20 लैंग्वेजेस. तो देखिए टोटल 24 लैंग्वेजेस में ये अवार्ड दिए जाते हैं, बट इस बार मणिपुरी, गुजराती, मैथिली और उर्दू के लिए जो साहित्य अकेडमी अवार्ड्स है वो कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद अनाउंस किए जाएंगे. सो ये चार लैंग्वेजेस में एट द मोमेंट हमारे पास साहित्य अकेडमी अवार्ड अनाउंस नहीं किए गए हैं. सो रिसेंटली द साहित्य अकेडमी अनाउंस्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 इन 20 लैंग्वेजेस. द अकेडमी ऑल्सो अनाउंस्ड युवा पुरस्कार एंड बाल साहित्य पुरस्कार फॉर 2021. क्या है साहित्य अकेडमी अवार्ड? सो साहित्य अकेडमी अवार्ड एस्टैब्लिश्ड इन 1954 इज अ लिटररी ऑनर दैट इज कॉन्फर्ड एन्युअली बाय साहित्य अकेडमी, इंडियाज नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स. अकेडमी गिव्स 24 अवार्ड्स एन्युअली इन 24 डिफरेंट लैंग्वेजेस टू लिटररी वर्क्स इन द लैंग्वेजेस इट हैज रिकॉग्नाइज्ड, एंड इक्वल नंबर ऑफ अवार्ड्स टू लिटररी ट्रांसलेशंस फ्रॉम एंड इन टू लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया. तो 24 भाषाओं में ये अवार्ड्स दिए जाते हैं. बिसाइड्स द 22 लैंग्वेजेस इन्यूमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द साहित्य अकेडमी हैज रिकॉग्नाइज्ड इंग्लिश एंड राजस्थानी एज लैंग्वेजेस इन विच इट्स प्रोग्राम में बी इम्प्लीमेंटेड. तो 22 जो कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रूव्ड लैंग्वेजेस है उनके साथ साथ इंग्लिश और राजस्थानी को भी साहित्य अकेडमी अवार्ड और ज्ञानपीठ अवार्ड में इंक्लूड किया गया है. द साहित्य अकेडमी अवार्ड इज द सेकेंड हाइएस्ट लिटररी ऑनर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द ज्ञानपीठ अवार्ड. तो इंडिया की अगर बात करें तो साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है इट्स द टॉप मोस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ साहित्य, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर. आफ्टर दैट comes the highest civilian award, which is the Gyanpith award. Sahitya Academy awardee ko choose karne ka criteria kya hai? To the author must be of Indian nationality. Jo uska author hai, jisne wo piece likha hai ya book likhi hai, he or she must be of Indian nationality.
तो वो भारतीय सिटीजन होना कंपलसरी है। बुक और वर्क एलिजिबल फॉर द अवार्ड मस्ट बी एन आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द लैंग्वेज एंड लिटरेचर टू विच इट बिलोंग्स। तो जिस भाषा के लिए नॉमिनेटेड है कोई पीस ऑफ लिटरेचर या बुक, वो उस भाषा के लिए आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस टू द लिटरेचर होना चाहिए। व्हेन इक्वल मेरिट फॉर बुक्स ऑफ टू और मोर आर फाउंड, जब कोई टाई जैसी सिचुएशन क्रिएट होगी, सो सर्टेन क्राइटेरियाज लाइक टोटल लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडिंग ऑफ ऑथर्स शैल बी टेकन इन टू कंसिडरेशन फॉर डिक्लेयरिंग द अवार्ड। अदर साहित्य अकेडमी अवार्ड्स कौन से हैं? सो साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार इज गिवन टू एन ऑथर बेस्ड ऑन हिज और हर टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू चिल्ड्रन लिटरेचर एंड रिलेट्स टू बुक्स फर्स्ट पब्लिश ड्यूरिंग द 5 ईयर्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द ईयर ऑफ अवार्ड। साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार रिलेट्स टू बुक्स पब्लिश्ड बाय एन ऑथर ऑफ द एज ऑफ 35 एंड बिलो। ओके, तो जो युवा पुरस्कार है वो 35 और 35 से कम उम्र वाले जो यंग ऑथर्स है उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ अवार्ड क्या है? सो द ज्ञानपीठ अवार्ड इज द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया एंड कैन ओनली बी कॉन्फर्ड एन्युअली अपॉन एन इंडियन सिटीजन। तो वो साल में एक बार दिया जाएगा और वो भी इंडियन सिटीजन को ही दिया जा सकता है। इंग्लिश अलॉन्ग विद अदर लैंग्वेजेस मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट स्केड्यूल इज कंसिडर्ड फॉर दी अवार्ड। तो यहाँ पे भी इंग्लिश को कंसिडर किया गया है और इंग्लिश में अवार्ड देने की शुरुआत 2018 से ही की गई है और पहला इंग्लिश ज्ञानपीठ अवार्ड वॉज गिवन टू अमिताभ घोष। द प्राइज कैरीज अ कैश अवार्ड और कैश अवार्ड ऑफ रुपीज 11 लैक्स, अ साइटेशन मीनिंग अ सर्टिफिकेट एंड अ ब्रॉन्ज रेप्लिका ऑफ वागदेवी सरस्वती द गॉडेस ऑफ लर्निंग। इट इज स्पॉन्सर्ड बाई द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन भारतीय ज्ञानपीठ। आसामीज पोएट नीलमणि फुकन जूनियर हैज वॉन द 56th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर 2021 एंड कोंकणी नॉवेलिस्ट दामोदर माउजो हैज वॉन 57th ज्ञानपीठ अवार्ड 2022। 2019 में जिनको अवार्ड मिला था उन्होंने ये अवार्ड लेने से मना कर दिया था। केरल के पोएट थे मिस्टर नाम्बूथिरी, उन्होंने ज्ञानपीठ अवार्ड लेने से फॉर स्पेसिफिक रीजंस ही हैज डिनाइड द ज्ञानपीठ अवार्ड। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू लॉ एंड सिक्योरिटी इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड सम हाउ दिस टॉपिक इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर पॉलिटी सब्जेक्ट। सो ये जो टॉपिक है इट इज रिलेटेड टू आफ्सपा, दैट इज आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट। और आफ्सपा को रिसेंटली नागालैंड में 6 महीनों के लिए एक्सटेंड किया गया है। होम मिनिस्ट्री ने रिसेंटली ये ऑर्डर पास किया है कि आफ्सपा को आने वाले 6 महीनों के लिए नागालैंड में एक्सटेंड किया जाएगा। नाउ व्हाट इज आफ्सपा, क्या उसके क्रिटिसिज्म है, क्या उसके बेनिफिट्स है, ये सारे पॉइंट्स का हम डिस्कशन इस टॉपिक में करेंगे। सो द कोनियाक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस द गार्डियन अम्ब्रेला ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द कोनियाक्स हैज स्लैम्ड द एक्सटेंशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट ऑफ 1958 विच इज पॉपुलरली नोन एज आफ्सपा। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि जो आर्म्ड फोर्सेस डिप्लॉय की गई है स्टेट्स में उनको स्पेशल पावर्स दिए गए हैं अंडर दिस एक्ट। So the Armed Forces Special Powers Act of 1958 has been extended in Nagaland for 6 months from 30th December 2021, मतलब June 2022 तक नागालैंड में अगेन आफ्सपा को एक्सटेंड किया गया है, आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर्स दिए गए हैं। नाउ क्या इसका बैकग्राउंड है आफ्सपा का 1958 में, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये एक्ट बनाया गया था, क्या रीजन के लिए ये एक्ट को बनाया गया था। सो अ रीइनकार्नेशन ऑफ द ब्रिटिश एरा लेजिस्लेशन दैट वाज इनेक्टेड टू क्वेल द प्रोटेस्ट्स ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट द आफ्सपा वॉज इश्यूड बाई वे ऑफ 4 ऑर्डिनेंसेज इन 1947। तो बेसिकली जो क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे जो प्रोटेस्ट होते रहते थे इंडिया में आफ्टर 1947, उनको काउंटर करने के लिए आफ्सपा बनाया गया था। द ऑर्डिनेंसेस वर रिप्लेस्ड बाय एन एक्ट इन 1948 एंड द प्रेजेंट लॉ
इफेक्टिव इन द नॉर्थ ईस्ट, वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट इन 1958 बाई देन होम मिनिस्टर जी बी पंत. इट वॉज नोन इनिशियली एज द आर्म्ड फोर्सेस आसाम एंड मणिपुर स्पेशल पावर्स एक्ट 1958, बट वहाँ पे फिर स्टेट्स के नाम निकालकर उसको अफ्सपा से रिप्लेस कर दिया गया. सो आफ्टर द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड केम इन टू बींग, द एक्ट वॉज अडेप्टेड टू अप्लाई टू दीज स्टेट्स एज वेल. तो पहले आसाम और मणिपुर थे, उसके बाद जैसे जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड बना, उसके बाद लॉ का नाम बदलकर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट कर दिया गया. द अफ्सपा गिव्स अनफेटर्ड पावर्स टू द आर्म्ड फोर्सेस एंड द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस डिप्लॉयड इन डिस्टर्ब्ड एरियाज. नाउ ये डिस्टर्ब्ड एरियाज कौन डिसाइड करेगा? होम मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी. ओके, डिस्टर्ब्ड एरियाज टू किल एनीवन एक्टिंग इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ एंड अरेस्ट एंड सर्च एनी प्रिमाइसिस विदाउट अ वॉरंट एंड विथ प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोसिक्यूशन एंड लीगल सूट्स. तो बेसिकली देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट के जो एरियाज है वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोटेस्ट होते रहते हैं इन बिटवीन द ट्राइबल ग्रुप्स, लड़ाइयाँ होती रहती है जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो जाती है. गवर्नमेंट ने उन एरियाज को डिस्टर्ब एरियाज के तौर पर डिक्लेयर किया है. वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बनाए रखने के लिए, पीस बनाए रखने के लिए वहाँ पे 24/7 सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आर्म्ड फोर्सेस है, स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस, उनको वहाँ पे डिप्लॉय किया गया है. नाउ लेट अस से कि इवन इफ द आर्म्ड फोर्सेस आर डिप्लॉयड देयर, आर्मी इज डिप्लॉयड देयर, अगर ऐसे सिचुएशन होती है जिससे लॉ एंड ऑर्डर का लार्जर पर्सपेक्टिव में आपको दिखेंगे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, उस सिचुएशन में दैट पर्टिकुलर आर्म्ड फोर्सेस को ये पावर दिए गए हैं कि टू प्रिवेंट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यू कैन शूट एक्स वाई जेड पर्सन. आप लॉ एंड ऑर्डर को बचाने के लिए किसी भी ऐसे एलिमेंट को शूट कर सकते हो जिससे आपको लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है. आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिए जाएंगे. वाई? बिकॉज यू आर दैट पर्टिकुलर आर्म्ड फोर्स पर्सोनल इज गिवन स्पेशल पावर्स अंडर द अफ्सपा एक्ट. सो द लॉ फर्स्ट केम इन टू इफेक्ट इन 1958 टू डील विथ द अपराइजिंग इन द नागा हिल्स फॉलोड बाई द इंसर्जेंसी इन असम. डिस्टर्ब एरियाज क्या है? सो द एक्ट वॉज अमेंडेड इन 1972 and the powers to declare an area as disturbed were conferred currently upon the central government along with the states. तो स्टेट्स के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी 1972 में ये पावर दे दी गई कि आपको भी अगर किसी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करना है तो आप डिक्लेयर कर सकते हो. करंटली द यूनियन होम मिनिस्ट्री इश्यूज periodic disturbed area notification to extend AFSPA only for Nagaland and Arunachal Pradesh. So at the moment, देखिए जब start हुआ तो almost सारे northeastern states में AFSPA applicable था, but as of now सिर्फ Nagaland और Arunachal Pradesh में AFSPA applicable है. The notification for Manipur and Assam is issued by the state government. So Manipur और Assam के लिए स्टेट गवर्नमेंट डिस्टर्ब्ड एरिया का लिस्ट नोटिफाई करती है. त्रिपुरा हैज़ रिवोक्ड द एक्ट इन 2015 एंड मेघालय वॉज अंडर अफ्सपा फॉर 27 ईयर्स अंटिल इट वॉज रिवोक्ड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2018. तो त्रिपुरा और मेघालय से अफ्सपा को वापस ले लिया गया है. बट देर इज ऑलवेज अ प्रोविजन कि जब जब भी लगेगा कि ओके दिस इज अगेन अ डिस्टर्ब्ड एरिया, अफ्सपा को वहाँ पर लगा दिया जाएगा. द एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन अ 20 किलोमीटर एरिया अलॉन्ग द बॉर्डर विथ असम. जम्मू एंड कश्मीर हैज़ अ सेपरेट जे एंड के आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट 1990. तो जम्मू कश्मीर की भी सिचुएशन हमें पता है क्योंकि वो पाकिस्तान और चीन के साथ बॉर्डर शेयर करता है. इट इज़ ऑलवेज अ डिस्टर्ब्ड एरिया और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमेशा हमें प्रिवेंट करनी पड़ती है.
कंट्रोवर्सी क्या है इस एक्ट को लेकर? सो पहला तो है ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, है ना। किसी भी आर्म्ड फोर्सेस को अपने इनडिफाइनाइट पावर्स दे दिए गए हैं लॉ एंड ऑर्डर को प्रिवेंट करने के नाम पर, कि आप किसी को भी शूट कर सकते हो। तो दैट इज द मेन पेन पॉइंट अफ्सपा को लेकर, इसीलिए प्रोटेस्ट होता है दैट इट्स अ क्लियरली ह्यूमन राइट्स वायोलेशन। सो द लॉ एम्पावर्स सिक्योरिटी पर्सोनल डाउन टू नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स टू यूज फोर्स एंड शूट इवन द कॉजिंग ऑफ डेथ इफ दे आर कन्विंस्ड दैट इट इज नेसेसरी टू डू सो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। इट ऑल्सो ग्रांट्स सोल्जर्स एग्जीक्यूटिव पावर्स टू एंटर प्रीमाइसेस, सर्च एंड अरेस्ट विदाउट अ वारंट। तो प्राइवेसी का भी यहाँ पे इशू क्रिएट होता है, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। द एक्सरसाइज ऑफ दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स बाय आर्म्ड फोर्सेस हैज ऑफन लेड टू एलिगेशंस ऑफ फेक एनकाउंटर्स एंड अदर ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस बाय सिक्योरिटी फोर्सेस इन डिस्टर्ब्ड एरियाज व्हाइल क्वेश्चनिंग द इनडिफाइनाइट इम्पोजिशन ऑफ अफ्सपा इन सर्टेन स्टेट्स सच एज नागालैंड एंड जम्मू एंड कश्मीर। जीवन रेड्डी कमेटी ने इसके लिए क्या रिकमेंडेशन दिए हैं? सो इन नवंबर 2004 द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ फाइव मेंबर कमेटी हेडेड बाय जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी टू रिव्यू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। कमिटी ने अपना रिकमेंडेशन दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो क्या दिया? सो अफ्सपा शुड बी रिपील्ड, अफ्सपा को रिपील कर देना चाहिए, उसको रद्द कर देना चाहिए। And appropriate provisions should be inserted in the Unlawful Activities Prevention Act 1967. So we already have UAPA, right? So UAPA और AFSPA को आप merge कर दीजिए और AFSPA के जो necessary provisions है उसको आप UAPA में नए डाल दीजिए। Multiple laws रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। The Unlawful Activities Act should be modified to clearly specify the powers of the armed forces and paramilitary forces, and grievances cells should be set up in each district where the armed forces are deployed. तो जहाँ जहाँ आपने armed forces को deploy किया है वहाँ grievances cell को बनाया जाना चाहिए, ताकि ultimately जो shooting हुए है या unnecessary action लिए गए हैं उसको justify किया जा सके, उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सके वेदर इट इज रॉन्ग और राइट। तो ये सारा हो गया आपका अफ्सपा का क्रिटिसिज्म एंड अफ्सपा के लिए जीवन रेड्डी कमिटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इसके ऊपर क्या व्यूज है? सो द सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ अफ्सपा इन 1998 जजमेंट विच इज नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है कि येस इट इज अ डिस्टर्ब्ड एरिया और वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बनाए रखने के लिए अफ्सपा इज रिक्वायर्ड। In this judgment, the Supreme Court held that suo motu declaration can be made by the central government. However, it is desirable that the state government should be consulted by the central government before making the declaration. The declaration has to be for a limited duration and there should be a periodic review of the declaration. 6 months have expired. तो इसीलिए 6 महीने का पीरियड दिया गया है जहां आप हर 6 महीने में उसको रिव्यू कर सकते हो। While exercising the powers conferred upon him by AFSPA, the authorized officer should use minimal force necessary for effective action. तो even if आपको अगर power दिया गया है and if you are a armed force personnel, आपको कोई भी वायलेंस डिसीजन लेने से पहले आपको सारे alternative ways सोच लेने हैं and as an ultimate solution you can use that पावर। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट अफ्सपा। सो दिस वॉज योर टूडेज लेक्चर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरी टॉपिक। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज डू लेट अस नो। टिल दैट टाइम स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू।